हाँ मैं ये मैं लगाने वाला था, असल में इसको सेट कर लें। ठीक है, डन है। कल हमने चीजें पढ़ी थी, ऐसे है क्या ओपिनियन क्या है, फैक्ट क्या है, थीसिस स्टेटमेंट क्या है, और डिफरेंट टॉपिक हमने लेके उनकी ओपिनियन हमने डेवलप करने की कोशिश की। और जो लास्ट सेशन था उसमें हम लोगों ने जो हमारे डिफरेंट टॉपिक्स हैं तो हमने ये सीखा था कि हमको एक्सप्लोर डिस्कस। तो मैंने कहा था कि एक्सप्लोर करने के दो वे हैं आइडियाज बनाने के, एक को बॉडी पार्ट मेथड मैंने कहा और दूसरा मैंने पॉली। तो हमने कल बॉडी पार्ट मेथड पे थोड़ी सी डिस्कशन की थी, एक हमने एग्जांपल भी दे दी किस तरीके से उसको करना है। तो बिफोर के मैं आगे जाऊँ, आगे स्टार्ट करूँ, आई वुड लाइक कि आप लोग का कोई कल के रेफरेंस से क्वेश्चन हो, जितना भी हमने पढ़ा है, अगर घर जाके कोई चीज़ें देखी हैं, किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो वो मैं उसको पहले टैकल कर लूँ, अगर कोई क्वेश्चन हो किसी के देखें। सर फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि जो टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग है इट कैन बी ऑफ मल्टीपल वेज, जिस तरह से 2016 के पेपर में था कि फेमिनिज्म नॉट रियली अ थर्ड वर्ल्ड इशू, तो एक अंडरस्टैंडिंग ये हो सकती है कि थर्ड वर्ल्ड के इशूज को हाईलाइट किया जाए। दूसरा ये हो सकता है कि इसको एज ए ग्लोबल इशू डील किया जाए। सर क्या वो दोनों ठीक है, ऐसे केसेस में यहाँ यही टॉपिक है, फेमिनिज्म इज नॉट रियली थर्ड पार्टी। देखें बड़ा उसमें क्लियरली इसमें क्या है कि फेमिनिज्म थर्ड वर्ल्ड वालों का इशू है ही नहीं, दैट इज द क्वेश्चन। और इसमें अब जब थर्ड वर्ल्ड वालों का नहीं है, बेसिकली इस टॉपिक का स्कोप क्या है, वो कहना क्या चाहे, वो कहता है कि जो बेसिकली थर्ड वर्ल्ड है उनके इशू अलहदे हैं, पॉवर्टी का इशू है, गुर्बत वो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, बाकी सारे इशूज हैं। तो ये तो इशू बहुत बाद में आ, पहले लोगों को सर्वाइवल तो मिल जाए, उनको बेसिक हेल्थ तो मिल जाए, बेसिक पानी को मिल जाए, जो लाइफ को सपोर्टिव हैं वो तो मिल जाए, राइट्स की बात तो बहुत बाद की बात। तो सो दैट इज द टॉपिक। बाकी जो हम समझते हैं कि अगर थर्ड वर्ल्ड का नहीं है तो हमारा फोकस बेसिकली ये दो पॉइंट्स हैं, थर्ड वर्ल्ड में नहीं, ये इशू इनका नहीं। तो दूसरा जो एंगल आप बता रहे हो कि ये इस पे हमारा फोकस होगा लेकिन बहुत कम होगा, ये फेमिनिज्म तो फर्स्ट वर्ल्ड का इशू, लेकिन मेन जो हमारे आर्गूमेंट्स हैं वो इसी बुनियाद पर आएंगे कि फेमिनिज्म इज नॉट अ रियली थर्ड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड के इशू और है जैसे हमने डिस्कस किया। सर इससे हम एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे, आप क्या चाहते हैं? तो दोनों कर सकते हैं, यानी कि अगर डिसएग्री कर सकते हैं एग्री भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर इस चीज को प्रायोरिटी दे। मैंने कल भी कहा था कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह कन्विंस करते हो, एग्जामिनर का कोई नहीं होता। अच्छा, ये स्टेटमेंट भी मैं रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रही हूं, कोई ठीक मैंने कहा अंडरस्टैंडिंग मैं हूं, मैं इसके साथ एग्री कर रहा हूं। अगर इफ आई हैव टू राइट एन एसे ऑन दिस टॉपिक आई वुड एग्री विद दिस एंड आई वुड फोकस प्राइमरीली कि जी मैं इसी चीज को कर लिखूं कि फेमिनिज्म थर्ड वर्ल्ड का मेन इशू नहीं है, थर्ड वर्ल्ड के और इशू हैं, पहले वो सेटल होने चाहिए। क्योंकि मैं जो प्रायोरिटी देता हूं तो मैं प्रायोरिटी पहले किसको देता हूं, पहले तो सर्वाइवल को देता हूं, पहले लाइफ की सर्वाइवल को देता हूं, फिर क्वालिटी के ऊपर। तो पहले मैं सर्वाइव तो करूं ना, क्वालिटी तो फिर ऊपर जाए।
बाकी ये कोई नहीं होता कि उसने कोई अपना नेम फिक्स बनाया होगा। बेसिक हमारी है कि हमने टॉपिक को अंडरस्टैंड किस तरह करना। अगर टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हमने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उस साल की थी कि नहीं ये नहीं, उन्होंने ज़्यादा फोकस फर्स्ट वर्ड कि फेमिनिज्म है ही फर्स्ट वर्ड का इशू, तो उनका फोकस इस पे था। ये एक पार्ट है, ये पूरा ऐसे नहीं है। माइट बी 20%, माइट बी 15%, लेकिन मेन टॉपिक ये है थर्ड वर्ड का इशू और बहुत सारे इशू हैं, सिर्फ ये नहीं। सर ये पहले टॉपिक में अगर रियली का वर्ड रिप्लेस कर ले जस्ट से तो सब प्रोपोर्शन सेम रहेगा या फिर ये उल्टा हो जाएगा? सर पहले तो इसको सही कहना है, ये क्या है सर? मोर नहीं है बस, मीट हम मैंने इसलिए उसके देश दर रखा है कि शायद मोर। अच्छा जी देखें ये कौन सा टॉपिक है, इसको हम जनरल टॉपिक है, ठीक है? अब हमारा ट्रेंड क्या है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, पर्सनल हो, जैसे हमने कल डिस्कस किया था, कोई भी लेवल हो, तो हमारा जो काज हो कि हम अगर कोई कोशिश कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? हम पॉलिटिकल अपने इलेक्शन लड़ रहे हैं तो क्यों लड़ रहे हैं? हम अपने काज की बात नहीं कर कि मेरा काज ये है, मैं लोगों के सामने वो जस्टिफाई नहीं करता। मैं कहता हूं कि मेरा अपोनेंट वो क्यों मुखालफत कर, उसको डीजनरेट करने की कोशिश करता हूँ कि उसके अंदर ये खामी है, उसके अंदर ये खामी है, उसके अंदर ये खामी है, उसके अंदर ये खामी है। मैं अपनी नहीं बताता कि मेरा जो ये मैं काम कर रहा हूँ इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। वैसे तो इंसान को जो बेसिकली इसी में है कि हमें फोकस लोगों को ये कहना चाहिए बजाय कि दूसरों की बुराइयाँ करें, दूसरों को डिग्रेड करें, दूसरों के अंदर होल्स स्पॉट करें। हमारा काम क्या है? हमारा काम है कि जो हम काम करना चाहते हैं हम लोगों को ये बताएं कि ये काम है, ये इसकी लॉजिक है, ये इसका फायदा होगा, जो भी उस काम के हवाले से। तो ये है, जब हमारा एटीट्यूड ये रहेगा तो फिर हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, बजाय कि हमारा फोकस दुश्मन पे हो, अपोनेंट पे हो, मुखालफत पे हो। नहीं, हमें अपने काज की तरफ, ये एक बुनियादी इसका। और आप इसको किसी भी कंटेक्स्ट में ले सकते हो कि हमारी ये आदत नहीं है सोसाइटी है ना हर बंदे की कि हम जो काम करना चाह रहे हैं तो उसको जस्टिफाई नहीं करते कि ये मैं काम करना क्यों चाह रहा हूं। हमेशा हम दूसरों की बात करते हैं तो वो मुखालफत क्यों करते हैं? ऐसे ही नहीं, इसमें बहुत कुछ लिख सकते हैं। देखो चलो यही मैं लिखता हूँ टॉपिक, और जो हमने अपना मेथड स्टार्ट किया था कि बॉडी पार्ट यही इसी की आउटलाइन था, ठीक है कि इसमें हम लिखेंगे। चलो हमारा ये उसी के साथ रेलिवेंट भी होगा।
और दूसरा क्या है अपॉइंटमेंट क्लास किस चीज का मकसद है ठीक है ये हमारे सामने एक वर्ड आया हमने कल कहा था कि आप काज को क्या कर रहे हैं आप एक बॉडी समझो मकसद हम इमेजिन कर अब इसके पार्ट्स क्या हो सकते हैं और हम डेवलप कैसे करें पर्सनल लेवल से स्टार्ट ठीक है और मैं इसको इंडिविजुअल नाम इसका वो बता कंट्री वर्ल्ड political cause religious cause cultural cause ye maine ab individual kya ho sakta hai इंडिविजुअल्स क्या हो सकते हैं सर मैं हम अभी काजेस की बात कर रहा हूँ पहले मुझे पता लगता है कि काज के अंदर मैं क्या चीज लिखूंगा फिर इस टॉपिक के ऊपर हम अब इंडिविजुअल क्या हो सकता है एजुकेशनलिस्ट हो गया साइंटिस्ट एजुकेशनलिस्ट हो गया साइंटिस्ट हो गया देखें एक इंडिविजुअल क्या तमन्ना रखता है आप यूं सोचे उसकी ख्वाहिश क्या हो मिशन क्या हो बेसिक ह्यूमन नीड्स इसके लिए वो क्या करता है जहर इसके लिए कोई ना कोई अर्निंग करेगा कोई एफर्ट करेगा फॉर समथिंग ऐसे ही है ना या अगर वो हो सकता है उसको कोई चीज इनहेरिटेंस में मिले हम सिर्फ एक्सप्लोर इस वक्त सिर्फ काजेस को कर रहे हैं हमने अगले पॉइंट को नहीं देखा मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूँ कि काज किस पार्ट से बने ताकि हम इसको खा सकें अच्छा और इंडिविजुअल क्या हो सकता है देखें उसका प्रोफेशन एजुकेशन कि वो चाहता है कि अच्छी एजुकेशन हासिल कर ले अच्छे प्रोफेशन में चला जाए अच्छा स्टेटस इंजॉय कर ले ऐसे ही है ना जो भी उसका सोशल स्टेटस अच्छा फैमिली क्या चाहती है कोई भी एक हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग है प्रोटेक्शन और सोशल सेम आप यही चीजें यहां तक ला सकते हैं यही चाहती है ना रिस्पेक्ट चाहती है स्टेटस चाहती है सेट पहला होना चाहती है फैसिलिटीज चाहती है फैमिली यही करती है कोई भी फैमिली हो तो वो सोसाइटी क्या चाहती है एक सोशल एक आम सोसाइटी जहर सोसाइटी यही चाहती है ना कि वहां पे उनके पास सारी फैसिलिटीज हों ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज हों एजुकेशन हो उनके बच्चों को वो मिले हेल्थ मिले उनकी पॉलिटिकल वॉइस हो यही चाहते हैं नो पॉवर्टी सारे लोग कुछ ना कुछ वो कर एक कंट्री क्या चाहता है पीस
स्टेबिलिटी इन द कंट्री, उसके अपने मकासद होते हैं ना हर कंट्री कि उसके इकोनॉमिक पर्पस अपने होते हैं, उसके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स अपने होते हैं, सोशल अपने होते हैं, ऐसे है कि नहीं? अच्छा वर्ड वर्ड के अंदर देखो डिफरेंट प्लेयर्स हैं, ऐसे मुख्तलिफ डेवलप्ड हैं, डेवलपिंग हैं, अंडर डेवलप्ड हैं, ऐसे ही हैं वर्ड, इन्हीं से कॉन्स्टिट्यूट होता है। अब इनका एम्स अपने, इनके एम्स अपने, ऑब्जेक्टिव काज है किसी भी काम करने के, इनके एम्स अपने, ऐसे है कि नहीं है? कि जो अमेरिका चाह रहा होगा वो जाहिर है कोई और चीज़ होगी, जो बाकी चीज़ें चाह रहे होंगे वो और चीज़ होगी, जो पाकिस्तान चाह रहा होगा, जो युगांडा चाह रहा होगा, हर एक कंट्री के अपने अपने एम्स हैं। अच्छा जी अब आ जाए इसकी तरफ, सोशल सोशल काज क्या है कि सोशली कौन वर्क कर रहा है? और सोशल ये जितने भी हमारे हैं सेगमेंट्स है ना, अगर कोई माइनॉरिटीज के हवाले से वर्क कर रहा है यानी आप क्यों समझ लेंगे, एजुकेशन पे कर रहा है, हेल्थ पे कर रहा है, वुमेन पे कर रहा है, माइनॉरिटीज पे कर रहा है, पॉवर्टी पे कर रहा है, व्हाटएवर द केस में भी, वो हमने अलग अलग ठीक। अब ये कौन कर रहे होंगे सारे काम, कोई ना कोई पर्सन होंगे या ऑर्गेनाइजेशन होंगे, ऐसे ही है कि जो सोशल अपलिफ्ट पे काम कर रहा होगा वो कौन कर रहा होगा, कोई पर्सन, मैं भी कर सकता हूँ आप भी कर सकते हैं, या कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी जो प्राइवेट भी हो सकती है गवर्नमेंट की भी हो सकती है, ऐसे ही है। अच्छा जी इस तरह इकोनॉमिक क्या है, कोई हमारे इकोनॉमिक लीडर्स हैं ना सोसाइटी के अंदर जो इकोनॉमिक वेलबींग के लिए काम करना चाहते हैं, वो क्या होगा? और यानी इकोनॉमिक को जब मैं देता हूँ कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट कैसे दे, लोगों को जॉब्स कैसे दे, लोग अर्न कैसे करें, यही इकोनॉमिक साइड है कि लोगों की मतलब बेहतर हो जाए, इकोनॉमिक वेलबींग हो जाए। तो मैं इसको ये कहता हूँ कि इकोनॉमिक को हमारी ट्रेड यूनियन हैं, हमारे जो बिजनेस मैन हैं, यही है ना बिजनेस मैन हैं, जो भी एम्प्लायर्स हैं, कोई भी किसी भी टाइप के ओवर हो सकते हैं, जो लोगों को जॉब्स देते हैं, ये जॉब सीकर्स हैं, उनकी आप डिफरेंट टाइप कर सकते हैं। हमारे पॉलिटिकल काज क्या है? पॉलिटिकल जो लीडर हैं उनका काज क्या होता है, वो लोगों को क्या कहते हैं? देखिए वो लोगों के साथ प्रॉमिस करते हैं ना कि हम आपको सड़क बना दें, हम आपको स्कूल दें, हम आपको जॉब देंगे, यही करते हैं ना। तो सो ये सब क्या होता है हमारे यहाँ डिफरेंट एथनिक
और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं ना, हर लिंग्विस्टिक और एथनिक ग्रुप क्या कहता है, सेमांटिक, ऐसे है कि नहीं? तो अब ये जो सारे फैक्टर्स हैं, ये क्या आज से हैं या हमेशा से हैं? पास में भी तो ये रहे होंगे, अब भी हैं, फ्यूचर में भी वो होगा, ऐसे है कि नहीं? अब इसका मतलब क्या हुआ कि इन सारी चीजों के लिए, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे सोसाइटी हो, अब हमें पता लग गया कि लोग उनके जिंदगी में काजेस क्या हो सकते हैं। ठीक है, अब इंडिविजुअल को प्रोग्रेस करनी चाहिए, उसको फोकस करना चाहिए कि मैं प्रोग्रेस, अब मैं इसके साथ कनेक्ट करूंगा अपोनेंट से, इस एक एक पॉइंट को हर एक को कनेक्ट करता जाऊंगा। मैं ये कहूंगा कि इंडिविजुअल जब प्रोफेशन किसी के लिए जॉब के लिए जाता है तो वो खुदा ना खास्ता सिलेक्ट नहीं होता, तो क्या कहते हैं, सिफारिश चल रही है। ठीक है, मैं तो किसी छोटे इंस्टीट्यूशन में पढ़ा था, ऐसे है कि नहीं? वो दूसरे का तो बाप खुला अफसर था, उसने कर लिया होगा, या इनका तो सिस्टम ही अच्छा नहीं है, तो वो अपने काज पे बात नहीं करेगा। वो करेगा उस किस बात पे, कि जिसने उसको उस लेवल तक पहुंचने नहीं दिया, समझ गए? तो सो आप उसकी एजुकेशन क्या है, एजुकेशन में क्या होता है, आपने अच्छे ग्रेड नहीं लिए तो क्या कहेंगे, शहर ही अपना के मैनर है, बहुत ही ज्यादा होगा तो आप कहेंगे अच्छा मैं बुखार हो गया, नहीं तो मैं इसको नंबर ज्यादा लाया, ऐसे है कि नहीं? तो हम अपने ऊपर नहीं बात करते, अपने क्लास की बात नहीं करते, हम हमेशा तलाश करते हैं इल्जाम या होल्स दूसरे के अंदर। स्टेटस, स्टेटस कैसे हो जहरे, आप स्टेटस हमारे यहां अच्छी जॉब से होता है, अच्छे पैसों से होता है, अच्छी जमीन से होता है, जो सोशल स्टैंडर्ड्स हैं, ऐसे क्या है? तो हम क्या कहते हैं जब वो स्टेटस अचीव नहीं कर पाते, हम कहते हैं यार हम स्टेटस का पूरा तरीकाकार ही बदल गया, लोग अच्छे का स्टेटस दे ही है, वो पैसे नो एक है, यहां नेक नामी इज्जत अच्छाई उसका कोई मियार नहीं है, यहां मियार किसका है, पैसे का। हालांकि मैं खुद स्ट्रगल कर रहा हूं कि यार वो मुझे पैसा भी मिल जाए, वो स्टेटस भी मिल जाए, वो जॉब भी नहीं कर रहे होते, जब वो नहीं कर सकते तो हम कहते हैं नहीं उसको वैल्यू, बेशक मैं गरीब हूं उसको वैल्यू ये करनी चाहिए। तो सो मैं अपने काज की बात नहीं कर, मैं किसकी बात कर रहा हूं, अपोनेंट से ज्यादा फोकस उस पे कर रहा हूं कि लोग ये गलत हो गए हैं, लोगों ने मियार बदल दिया है। इसमें जरूरत नहीं है कहीं पे कोई जरूरी तो नहीं है हर जगह पे फैक्ट्स एंड फिगर्स, ये तो जनरल वो है ना, इसलिए तो हम इसको कहते हैं जनरल टॉपिक। समझ आ गई इस चीज की? फैमिली, फैमिली क्या कहती है, ए बड़ा इनका एक बंदा आगे लगा है ते उन्होंने पत्नी किथे लाए गए, कहती है ना, खुद वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, खुद उनको डेवलप नहीं करते, खुद बच्चों पे इन्वेस्ट नहीं करते, उनकी हेल्थ पे, एजुकेशन पे, बाकी पे, जो उनका पड़ोसी पढ़ रहा होगा, जो उनका कोई और बंदा पढ़ रहा होगा, उसको कहेंगे कि यार देखे इन्होंने गलत चीज की थी, या इनको मतलब फोकस किस पे करना है, अपोनेंट पे, अपने ऊपर फोकस नहीं करना कि मैं अपना हालत इजाद कैसे बनाऊं, ऐसे है कि नहीं? तो सो फैमिली इसी तरह वो सारी जिंदगी कूदते रहेंगे लेकिन कोशिश नहीं करेंगे, कोई प्लान नहीं बनाएंगे, कोई अपने काज के ऊपर फोकस या पूरा चार्ट आउट उसको नहीं करेंगे। समझ आ गई? सोसाइटी क्या है, क्या है सोसाइटी? आज हम क्या कहते हैं, करप्शन बड़ी हो गई कहते हैं ना, लेकिन कभी हमने खुद सोचा कि यार करप्शन मैं खत्म कर, मैं खुद करप्ट ना हूं,
कभी हमने सोचा कि यार लोग जो है ना वो रास्ता नहीं देते सड़क पे, उनको गाड़ी का सेंस ही नहीं है। कभी मैंने खुद सोचा कि मैं अपनी गाड़ी सही लाइन में है कि नहीं। हम कहते हैं यार देखें लोग खवातीन को आगे बैठने ही नहीं देते, कभी हमने खुद बैठा नहीं। अच्छा फिर हमने कहा यार उनको पहले सीट मिलनी चाहिए, कभी हमने पहले सीट दी। मतलब हमने दूसरों के ऊपर फोकस करते हैं, अपने काज के ऊपर फोकस। आज आप जितनी भी सोसाइटी को आप देख रहे हैं, एक एक चीज वो हमेशा दूसरों में होल पे पॉइंट करेंगे, अपने ऊपर पिन पॉइंट नहीं करेंगे। है अलमी हमारा कि नहीं, कंट्री के ऊपर चले जाए। हम आज सारे कहते हैं कि वेस्ट ये है, वो हमें लूट के ले गया बर्तानिया, अमेरिका ये है, फुलां ये है। कभी हमने अपने सिस्टम के बारे सोचा? इंडिया ने पानी बंद कर दिया, हमने अपने पानी की कंजर्वेशन कभी सोची कि यार ये हम इसको कंजर्व कर। अब समझ आ गई कंटेक्स्ट की, तो अब आप इस पर कितना लिख सकते हो, लिख लिख के आपके हाथ थक जाएंगे, पेंसिल खत्म हो जाएगी। ये इतना आसान था कि हम बात क्या करते हैं दूसरों, हम अपनी बात नहीं करते उस सिस्टम को जो बेहतर करने के लिए। इसी तरह आप सारी चीजों को ले, आज हमारा पॉलिटिकल लीडर क्या कहता है कि देखो उन्होंने 10 साल गवर्नमेंट रही है, 20 साल गवर्नमेंट रही है, उन्होंने कुछ नहीं किया। ओ भाई ठीक है, उन्होंने आप अपनी बात तो करो ना, आपको हमने वोट दिए। रिलीजियस लीडर क्या कहता है कि फुलां सेक्ट के अंदर ये है, फुलां मजहब में ये है, फुलां में ये, आप अपने मजहब की बात करो। ऐसा है कि नहीं? सो अब इस टॉपिक को आपने किया क्या, तरीका क्या है कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया, आपने काज को एक्सप्लोर कर, काजेस क्या हो सकते, सिंपल हर काज को आपने अपोनेंट के साथ कंपैरिजन करते थे। इसमें आप बताएं कोई, इसको मैं एक एक को एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ये थोड़ा इस हवाले से फिर लोगों के लिए ठीक है सर। ये अगर हम इसकी आउटलाइन बनाएंगे वीडियो डॉग, जिस तरह आपने सीक्वेंस में लिखा है वहां किस तरह सीक्वेंस देंगे, इसी सीक्वेंस में ले। देखो मैंने तो सिर्फ अभी एक्सप्लोर किया ना, अभी मैंने इसकी आउटलाइन नहीं बनाई, मैंने तो सिर्फ अपना एक मैप आउट कर लिया है कि जब मैं ऐसे लिखूंगा तो मैं इस मैप के ऊपर लिखूंगा। ठीक है, मैंने सिंपल किया क्या है, मैंने सिर्फ इसका सिस्टम कास मैंने उसको एक पूरा सिस्टम में बना लिया है, इसके ये पार्ट्स हैं। कास एक इंडिविजुअल की भी हो सकती है, सोसाइटी की भी हो सकती है, मुल्क की भी हो सकती है, बट सर्वप्रति इसमें थी। और अब मैं इसको सिंपली लिंक करता जाऊंगा, मजे मजे से पानी क्यों पीऊंगा, दूसरे दोस्तों को देखूंगा भी सही वो कैसे लिख रहे हैं और अपना टॉपिक भी लिखता है। और बिलीव मी कि वो स्टूडेंट जो ये काम कर लेते हैं फिर पूरा ऐसे वो एंजॉय करते हैं, फिर उनको पता होता है कि थाट भी आती है, लैंग्वेज भी अच्छी बनती है, स्ट्रक्चरिंग भी होती है। ये बेसिक ये बुनियादी चीज है जिससे आप अपने टॉपिक के तहत आप फोकस भी रहे। लेकिन सर ये तो मेजरली जनरल टॉपिक्स में होगा ना, हर टॉपिक में होगा। देखो मैं हमने तरीका सीखा है, तरीका क्या सीखा है, बॉडी पार्ट। हमने सिर्फ एक जो मेन कंपोनेंट है जिसको पर हमने लिखना है उसको हमने लिया, उसके हमने पार्ट्स एक्सप्लोर कर, तो ये इसके पॉसिबल पार्ट हो सकते हैं। हमने हर पार्ट को एक फंक्शन असाइन किया, ये किया ना अकॉर्डिंग टू टॉपिक, और उसको इसके साथ कंपैरिजन करते थे। मेरा जब मैंने पेपर दिया तो मेरे साथ एक मेरे दोस्त होते थे, तो हम इकट्ठे रहते थे, तो उसने मुझे अगले दिन पेपर था तो हम रोजाना वो प्लेयर खेलते थे रात को, तो उसने मुझे कहा कि यार आ जाओ आज प्लेयर खेलते हैं। तो मैंने कहा यार मेरा पेपर है सवेरे, आज मैं नहीं खेलता। कहते यार क्या है पेपर का, थोड़ा सा खेलेंगे और तुम एक्टिव हो जाओगे, तुम्हारा दिल भी खुल जाएगा, ये है वो है। मैंने कहा तो मैंने उसके साथ प्लेयर खेलनी शुरू की, कोई 10-11 हमने स्टार्ट की, खेलते 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 वो सुबह के 3:30 बजे
तो अब मैंने उसको गालियां नहीं, मैंने कहा तुम ये तो मैं कर दी, तो वो कहता है कि अब तुम आप जाने और आपका काम जाने, सो जाओ सो जाओ, सो मैं आपको उठा दूंगा। तो खैर मैं वापस आया तो मैंने कहा कि वो नींद अब नहीं आ रही, कुछ सुबह का डर और कुछ नींद का एक टाइम पीरियड है वो अब गुजार देना। वो खैर घंटा डेढ़ ऐसे ही करते, फिर उठे नमाज पढ़ी अल्लाह से दुआ की कि ये अल्लाह से चक्कर बुरा हो जाए कुछ पेपर अच्छा हो जाए। तो वो सवेरे फिर उठ के तो अपने कुकशॉप को उठाया गया खाना बनाओ, तो वो पेपर में चले गए। तो वहाँ पे मैंने जब टॉपिक आया तो ऑलमोस्ट मैं सारे ही, मुझे अंदाजा था कि ये मैं सारे ही कर सकता, ऐसा नहीं था कि ये मैं कर नहीं। फिर मैंने कहा कौन सा टॉपिक मैं सेलेक्ट करूँ, ये करूँ ये करूँ ये करूँ। तो फिर मैंने एक टॉपिक ऐसे ही मैंने कहा कि चल एस टॉपिक पे कर, वो टॉपिक मैंने सेलेक्ट कर लिया। मैंने उस पर इसी तरह आउटलाइन बनाई, आउटलाइन मैंने बहुत अच्छी बनाई और मैंने फिर लिखना स्टार्ट किया। तकरीबन मैंने आधा घंटा पौना घंटा लिखा होगा, फिर मुझे नींद आना स्टार्ट हुआ और मैं लिखता था उधर से मुझे नींद आती थी, लिखता था नींद आती थी। बिलीव मी आई स्ट्रगल्ड विद माय सेल्फ फॉर होल ऑफ द पेपर कि अब मैं अच्छा मैं अभी उस कैफियत को फील कर सकता हूँ कि मैं सोच रहा था कि कोई नया ख्याल आए, नया ख्याल कोई नहीं आता। मैं जोर लगाता था, कोशिश करता था कि कोई मेरा सेंटेंस अच्छा हो जाए, वो सेंटेंस अच्छा मुझे मजा नहीं आता। देखो जब आप लिखते हो तो लिखते हुए आपको मजा आता है कि आपने एक सेंटेंस क्रिएट किया है, उसका एक एक वर्ड एक एक चीज। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरा ब्रेन जो है वो बिल्कुल स्क्रू, नई चीज कोई नहीं आ। लेकिन जब मैंने पेपर बुक कर लिया तो उसके बाद मैं बैठ नहीं गया, फिर मेरा ज़हन खुलना स्टार्ट। तो फिर भी मेरे ज़हन में अच्छा मैं तो ये आइडिया भी लिख सकता था, ये भी लिख सकता था, ये भी लिख सकता था। तो मैं जब घर आया तो घर आके सबसे पहले मुझे गुस्सा आया, तो मैंने एक और उसमें एक टॉपिक था तो मैंने उस पर बैठ के पूरा ऐसे लिखा घर आ। और उस वक्त वो इतना ब्रिलियंट मेरे जहन में आइडियाज वर्ड्स सेंटेंसेस अपनी फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए, जब मैंने दो ढाई घंटे बैठ के वो ऐसे लिखा, फिर मैंने अपने दोस्त को कॉल की कि मैंने कहा कि मेरे साथ तो ये हुआ है यार। उसने कहा कि क्या लिखा है तुमने, मैंने कहा कि ये टॉपिक था मैंने इसके अंदर, कहते तुम पास हो जाओगे फेल नहीं हो। वही हुआ कि जब रिजल्ट आया तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्क्स भी अच्छे थे और मोर देन 70 मार्क्स थे। सिर्फ चीज़ क्या थी जो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं आज भी कहता हूँ कि अगर मैं आउटलाइन ना बना पाता, सिर्फ मैं पहले आधे घंटे में आउटलाइन अपनी ना बना पाता, मैं आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू मतलब क्रिएट एनीथिंग। तो अगर आप पहले आधे घंटे में 25 मिनट में 35 मिनट में अपनी आउटलाइन बना लो, फिर क्या होता है आपने वही आउटलाइन देखनी है और लिखते जाना है, वही देखनी है लिखते जाना, कोई नई चीज क्रिएट नहीं कर। और ये मैं आई अश्योर यू कि फिर आप फेल नहीं हो अगर आपने सही बनाई, नई चीज की हो जाए बेहतर नहीं हो तो वो चीज फिर बंदा भटकता नहीं है, फिर इधर उधर नहीं दे। तो ये इसकी एक इसकी समझ आ गई। आप अपना टॉपिक एक सेकंड पीछे इसकी मैं आउटलाइन कैसे बनाऊंगा। ये तो सिर्फ मैंने इसलिए अभी उस पे फोकस नहीं किया था कि ये हम सिर्फ सीख रहे थे। सर आपने वैसे कौन से टाइप का ऐसे किया? मैंने जनरल इसी तरह के ऐसे पेपर में आपने जनरल किया था। मैंने किया था ट्रुथ इन शॉर्ट सबल
ब्रो इन शॉर्ट सम सप्लाई ग्रोथ इन शॉर्ट सम सोसाइटी में सच कम बोला जाता है. जब मैं देख रहा था ना टॉपिक्स तो कोई लिटरेचर पे था. लिटरेचर हालांकि मुझे बहुत पसंद है, मेरा दिल था कि मैं लिटरेचर पे करूं. उसमें एक टॉपिक हमारा था स्टायर एंड उर्दू लिटरेचर, तो वो मैं कर सकता था. इस तरह के और भी टॉपिक थे. तो फिर मैंने जब आंखें बंद करके हाथ रखा तो वो सच पे आए. तो मैंने कहा यार सच ही पता दिलवाएगा, सच पे लिखो. फिर मैंने इसी सच पे देखो ये हमारा अलमिया है ना ट्रुथ एंड शॉर्ट सप्लाई. हर बंदा कहता है कि ए झूठ बोलता है, ए झूठ बोलता है, झूठ बोलता है कि नहीं. ट्रुथ एंड शॉर्ट सप्लाई हमारी सोसाइटी में जैसे तेल की सप्लाई कम हो जाती है तो हो जाती है, इस तरह सच की सप्लाई कम हो अल्लाह खैर सर. जब सच की सप्लाई कम है क्यों कम है, किस फील्ड में कम है, उससे सोसाइटी के ऊपर इंपैक्ट क्या है, है कि नहीं. कितना आसान टॉपिक है सारी, सिर्फ आपको पता हो कि मैंने किस डायरेक्शन में. इसमें तो आप पूरा मातम कर सकते हैं कि सच तो आज कोई बोलता है सच. हर बंदा तो अपने मसले का शिकार है. और आज जिस हाल पे हम पहुंचे हैं क्यों पहुंचे हैं, आज जो हमारे दरमियान डिफरेंसेस हैं सच ना होने की वजह से है. यानी जो एक दूसरे का इख्तलाफ होता है, इख्तलाफ क्यों होता है, मैं सच और समझता हूँ आप सच और समझते हैं. ये तो हमने इल्जाम उन पे लगा दिया कि वो बोलते हैं. हम तो बचपन से स्टार्ट होते हैं कि माँ कह रही होती है मेरा चल जाओ, चंदा होते मतलब जैसे तो ये चीज हमारी सोसाइटी के अंदर ना वो रच बस गई. तो जब सोसाइटी के अंदर ये चीज है तो फिर और मैं कहता हूँ सच के ऊपर तो आप इतना लिख सकते हो, इतना लिख सकते हो जितना आपका जी चाहे, मुझे कोई पढ़ने की जरूरत नहीं. और ऐसे याद रख लें कि वो बंदा उसको ऐसे में कभी मसला नहीं होता जो अपने आप को सोसाइटी के साथ कनेक्ट करे. सिर्फ ये ना सोचें कि जो मैंने पढ़ा नहीं है मैं लिख नहीं सकता. नो, ये देखें कि सोसाइटी के अंदर क्या, अपने आप को सोसाइटी के साथ कनेक्ट करें, फिर आप देखेंगे कि आप कितना अच्छा ऐसे और जेन्युइन ऐसे लिखें. और यार मुझे ज़हनी मैं जो सही फील करता हूँ वो चीज मैं लिखूँ. मैं क्यों अपने आप को कभी उस चीज की तरफ कभी उस चीज की तरफ, नहीं, जो मेरी रियल फीलिंग है मुझे लिखना चाहिए. देखो इस मैं अक्सर कहता हूँ कि ये हम इस सोसाइटी में पले हैं ना, जिस सोसाइटी में हमने झूठ फेस की है, तो हमसे बेहतर झूठ या सच के ऊपर कौन देख सकता. हम ये सोसाइटी में हैं जहाँ पे टेररिज्म हमने फेस की है, तो हमसे अच्छा टेररिज्म पे कौन लिख सकता है. हम यूनिवर्सिटीज में पढ़े हैं, प्राइमरी एलिमेंट्री यूनिवर्सिटी तक गए हैं, तो हमसे ज्यादा एजुकेशन के ऊपर कौन लिख सकता है. हम रोजाना पॉवर्टी को फील करते हैं, तो हमसे अच्छा पॉवर्टी पे कौन लिख सकता है. ये तो उस बंदे को मसला होता है जिसने पॉवर्टी कभी देखी ना हो, फील ना की हो. तो फिर हम क्यों नहीं लिखते, हमने जहन अपने बंद किए हैं. हम कहते हैं कि जो कुछ हम किताब में पढ़ेंगे तो लिखेंगे, खुदा के लिए ये नहीं करो. आगे एक स्टेप जाना चाहते हो तो अपनी आंखें खोल के सोसाइटी का सब लेंगे. अब सिर्फ पॉवर्टी का नाम और आपके सामने पूरी पॉवर्टी की पोर्स की तस्वीर आनी चाहिए, वर्ड करता है. तो ये जब आप थोड़ा सा अपने माइंड को इस तरफ अप्लाई करेंगे ना, फिर आप देखेंगे कि आपके सामने नए नए ख्याल, नए नए आइडियाज, नई नई चीजें कैसे आती. पीछे कोई किसी को क्वेश्चन आपने ये काम रफ किया, ठीक है, इसके बाद जो इसकी बुनियाद पे आउटलाइन बनाई वो भी रफ बनाए, उनको आखिर में लिखे. आपकी आंसर बुक है उसके आखिरी पेजेस पे लिखे. और आपको पता है कि ये आउटलाइन एक पेज पे आ सकती है, दो पे आ सकती है, तीन पे आ सकती है, आप वो छोड़ दें. आप सिंपल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करके लिखना स्टार्ट कर, तो जब दरमियान में कोई आइडिया आए तो वहां आप डाल सकते हो. तो जो आउटलाइन फेयर करके लिखनी है ना, वो सबसे आखिर में लिखनी, रफ पहले किया हुआ. सर
वो तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे पता है कि ये चीज मैंने टाइम देखो आपने आउटलाइन पहले भी लिखनी है बाद में भी लिखनी है टाइम तो उतना लगना है इसमें क्या बात है टाइम या तो आप रफ तो आपने वैसे भी बना दी रफ तो आपने वैसे भी बना दी इन ईदर केस ये चीज अच्छा जी आप मिसाल के तौर पर मैं इसकी आउटलाइन कैसे बनाऊंगा तो फर्क होता है बेसिकली पहले ये रफ वर्क है फिर इसकी आउटलाइन बनेगी और फिर इसका पैराग्राफिक स्टेटमेंट बनेगी ये तीन स्टेजेस होती है रफ वर्क ये किया एक्सप्लोर कर लिया मैप आउट कर लिया फिर इसकी बुनियाद पे मैं क्या बनाता हूँ आउटलाइन फिर जब ऐसे लिखता हूँ तो इसी आउटलाइन को मैं कन्वर्ट करता हूँ पैराग्राफिक स्टेटमेंट ठीक है अब मिसाल के तौर पे ये इंडिविजुअल था तो हम अब मैं इसको लिखूंगा इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन वंस डीमेरिट्स स्टूडेंट्स ब्लेम्स सिस्टम for their failure. ठीक है अब ये चीज हो गई ये मेरी बंद instead of focusing on their demerits students their blame सिस्टम फॉर दैट अब ये बात ये मेरी एक आउटलाइन बात इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन देयर डीमेरिट्स स्टूडेंट ब्लेम सिस्टम फॉर देयर फेलियर सर जो आउटलाइन होती है वो उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए एक आर्गुमेंट की फॉर एग्जांपल ये आपने लिखा है ये तो टू टू थ्री लाइंस हैं बट वी आर के मोर देन वन लाइन नहीं होनी चाहिए अभी आपने ये अभी हम उस पे आएंगे कि कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए ठीक है आप ये सिर्फ अभी ये स्टेज पे आप इतना सीख लो क्योंकि ये मेरा मैंने आउटलाइन बनानी कैसे आपने उसको एक्सप्लोर किया और फिर क्या सीखा आउटलाइन बना ये आपके आउटलाइन जी भाई कास्ट की बात नहीं होती अपोनेंट्स की बात होती है तो आगे अब जब हम पैराग्राफ लिखें तो उसमें डिफरेंट इंडिविजुअल्स का जिक्र करें जैसे स्टूडेंट का दिया एम्प्लॉय का दिया कास्ट का मैं कहता हूँ ये इतना बड़ा टॉपिक है कि अगर सिर्फ आपको इंडिविजुअल पे ये पूरा लिखना पड़े आप फिर भी ऐसे लिख सकते सिर्फ इंडिविजुअल पे लिखना मैंने कहना क्या है अपनी नाकामी की बजाय अपने एक्सप्लोर करने की बजाय मैं दूसरों को बोलेंगे वो मेरी किसी हल वो हो सकती है हमने अच्छा नहीं खेले मुकाबले अच्छा खेल इस वजह से हार गए अच्छा आप आपका टॉपिक Thank you.
ये बेसिकली इनका एक टाइप टॉपिक, ये कहते हैं कि द रिकवरी इंटॉक्सिकेशन एंड इट्स आफ्टरमैथ। इंटॉक्सिकेशन हमारा मेन टॉपिक है, इसके इंपैक्ट आफ्टरमैथ क्या है, इंपैक्ट्स क्या होते हैं और इससे रिकवर कैसे हम, यही इसका है। इंटॉक्सिकेशन इस आफ्टरमैथ, उसका इंपैक्ट क्या होता है उस इंडिविजुअल पे या उस सोसाइटी और इससे रिकवर कैसे करना चाहिए। तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, इसमें इंटॉक्सिकेशन को आप डाइसेक्ट कर लेंगे, इंटॉक्सिकेशन है क्या, इंटॉक्सिकेशन किस किस हवाले से हो सकती है हमारी सोसाइटी में किस, और उस इंटॉक्सिकेशन का हमारे ऊपर उस पर खुद का असर क्या पड़ता है, उसकी इमीडिएट फैमिली में क्या पड़ता है, उसकी सोसाइटी में क्या पड़ता है, ऑल ओवर मुल्क पे क्या पड़ता है, और फिर जो इंटरनेशनल हमारे चैनल हैं उनके ऊपर इसका क्या असर। तो ये आप बात कर लेंगे, फिर आप कहेंगे कि इसको कर्व कैसे किया जाए इंटॉक्सिकेशन, वो आप डिफरेंट लेवल की बात करेंगे। इंटॉक्सिकेशन टू इंटॉक्सिकेशन हर हवाले से, इंटॉक्सिकेशन तो जनरल वर्ड, कोई भी चीज जो नशा हो वो इंटॉक्सिकेशन में नहीं, इंटॉक्सिकेशन इंपैक्ट्स उसके सारे हो सकते हैं, रिलीजियस भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, सोशल भी हो सकते हैं। इंटॉक्सिकेशन है क्या, व्हेन यू यूज सम ड्रग तो यू लूज योर सेंसेस, कोई बिहेवियर सर जो कि सोसाइटी को स्पॉइल कर रही हो या फिर, मैं समझ रहा हूं सर, किसी इंडिविजुअल का कोई बिहेवियर हो या कोई आदत हो जिसकी वजह से सोसाइटी तो हो सकता है, वो तो आफ्टर मैथ में आता है ना। तो ये तो इस तरह का एक बड़ा सिंपल है। अभी हमारा फोकस किस चीज पे है, ये बॉडी पार्ट कि बेसिकली जब कोई टॉपिक आए मैंने उसे किस कंटेक्स्ट में आगे लेके जाए, उसको एक्सप्लोर कैसे करना है। तो दो टॉपिक मैंने आप लोगों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये और एक टॉपिक। अच्छा और कोई टॉपिक सर, पॉपुलेशन पे कोई टॉपिक है आज, पॉपुलेशन क्या कह रहे हैं, अच्छा इसमें ना मैं भी आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस स्टेज पे आप लोग सिर्फ ये सीखें, मेथड सीखें, टूल सीखें, ताकि कोई भी आ जाएगा यू विल बी कॉन्फिडेंट कि हमने ये करना है। सिर्फ आप अपने जहन में रखें कि मैंने उस चीज को एक्सप्लोर कैसे किया। जब आप जहन ये लगा लेंगे ना, फिर ये चीजें मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये ना बिलीव करें कि ये मैंने यहाँ पे बनवा दिया तो उसी को रटा नहीं, ठीक है वो भी अच्छी बात है, बट खुद से कि मैंने सीखना है और ये हमारी क्लास है भी इसी काम की, ताकि यार हम अपना जहन तो ओपन अप करें। तो आपको फखर करना चाहिए कि सात बच्चे क्या आप क्या समझते हैं, समझ
बस यही स्टैंड है आप जिस वजह से समय क्यों हो लिखो कोई बात नहीं है आप फिर बोलने तो नहीं जा रहा है बस वो कहो आपके दो बजे मुझे तो ज्यादा Then, नमाज की ब्रेक कर लेंगे 10 मिनट में हम इंशाल्लाह दोबारा इसको रिमाइंड करते हैं नमाज का